News 18, India. टिकरी बॉर्डर को उसके उद्योगों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर तमाम तरह के उद्योग हैं, फैक्ट्रीज हैं, और ऐसे में किसान आंदोलन की वजह से जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा टाइट कर दी गई है, लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है क्योंकि जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, जो रूट्स हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। इस वक्त हम एक रबड़ की फैक्ट्री में मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं और जो फैक्ट्री के मालिक हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या किसी तरह की दिक्कत हुई, किसी तरह का बदलाव महसूस हुआ है। सर, आप यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ सेल्स देखते हैं। आप सेल्स देखते हैं? सर, जिस तरीके से किसान आंदोलन की वजह से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, किस तरह की कोई दिक्कत हो रही है? आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई सामान नहीं आता, ना जा सकता है, सामान आ जा नहीं सकता। नहीं। ये बताइए कि क्या बिजनेस में नुकसान भी देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नुकसान ही होता है बिजनेस में। तो मजदूरों को आने जाने में दिक्कत है क्या? मजदूरों तो आसपास में रहते हैं, उनको दिक्कत नहीं है, जो बाहर से पार्टी आती है उनको दिक्कत है। तो ये मुझे बताइए कि जिस तरीके से ये किसान आंदोलन अभी हो रहा है, आपकी बार सिक्योरिटी टाइट की गई है, पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तभी टिकरी बॉर्डर का यही हाल था, तो क्या पिछली इससे बुरा हाल था? क्या हाल था? सारे किसान बैठे थे रोड पे, कोई आने जाने का रास्ता नहीं था बिल्कुल। तो आपकी बार सिक्योरिटी ज्यादा अच्छे से की गई? हाँ जी, हाँ जी, तो पिछली बार भी हालात ऐसे ही थे, बहुत ज्यादा खराब थे इससे। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और ये लोग यहाँ इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, आप क्या इसी फैक्ट्री में काम करते हैं? हाँ जी, यही काम करते हैं। यही काम करते हैं? हाँ जी। किस कोई दिक्कत हो रही है क्या किसान आंदोलन की वजह से? हमारे को क्या दिक्कत हो रहा है? हमारे को तो, मेरे को तो यहीं से आना है, यहीं घुस जाना है। हाँ। अब उधर से आने जाने वाले के बहुत काफी है। हाँ, तो आपके जानकार ऐसे हैं जिनको दिक्कतें हो रही हैं? नहीं तो हमारे जानकार जो है यही है। हाँ, तो इन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं? बाकी जो बाहर नांगलोई से, बाकी एरिया से, इन सब लोगों को दिक्कत हो रही है। इन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। आप कहाँ से आते हैं? मैं आते हैं द्वारका से। द्वारका से आप आते हैं, तो द्वारका से कैसे आते हैं, क्या रूट क्या? फिर के आते हैं, घूम फिर फिर के आना पड़ रहा है। अच्छा, पिछली बार जब इस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था, ऐसा भी हुआ था कि क्या फैक्ट्री बंद करनी पड़ी हो कुछ दिन के लिए? करा होगा, फैक्ट्री बंद हुई थी मैडम, बहुत ज्यादा फैक्ट्री बंद हुई थी। हमारा तो खुद काम रोड पार का है, रोड पार भी नहीं जा पाते। ये बीच में पिछली बार भी बीच में लगा दिया था उन्होंने, रोड पार ही नहीं हो पाया था, बहुत काम छूट गया था हमारा ये भी काम बंद हो गया था। अभी बोल रहे मालिक लोग के काम छोड़ दो, बंद होगा काम, ये होगा वो। काम छोड़ दो, काम बंद होगा, तो फिर अगर काम छोड़ देंगे तो घर कैसे चलेगा? हाँ, तो वही तो दिक्कत होगी मैम, इनको देखना चाहिए, किसानों को ठीक है, हम भी गरीब आदमी है ना मैम। हाँ, हाँ, तो ये तरीका जो है विरोध का, ये आपको पसंद नहीं आया? नहीं मैडम, नहीं पसंद आया। नहीं, नहीं। आप ये बताइए सर, आप कहाँ से आते हैं? कच्ची कॉलोनी से आते हैं। आने में दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। क्या क्या आप फर्क देख रहे हैं इस तरीके से? नहीं, बाकी सुविधा अच्छी है, सब बातें ठीक है, बाकी जो आम इंसान है उनको बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, मतलब सरकार ने व्यवस्था अच्छी कर दी है सिक्योरिटी की, लेकिन आम इंसान को दिक्कत हो रही है। तो क्या अपील करेंगे आप किसान से? अपील के अपनी सावधानी से जो बात है, अपने सरकार से बात करें अपने, बाकी हम लोग जो आम इंसान है उनको दिक्कत से मतलब थोड़ी आराम मिले, और क्या काम काज में दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। तो क्या पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी आप यही काम करते थे? यही काम कर रहे थे। फैक्ट्री बंद हुई थी उस वक्त? बंद क्या थी, जब आने जाने दिक्कत हो रही थी, सब काम वाम कहीं ना जा पा रहा था, ना आ पा रहा था, तो फिर तो बंद तो नहीं पड़ा। सैलरी मिल रही थी? सैलरी कहाँ मिलेगी, नहीं मिल काम रही बंद है तो सैलरी कहाँ मिलेगी। तो घर कैसे चला रहे थे आप? क्या करे, चल रहा था ऐसे ही। आपके साथ ऐसी समस्या हुई थी क्या? उस टाइम तो मैं कलकत्ता था, इतना समस्या तो नहीं हुआ था, इतना नहीं हुआ था, लेकिन दिक्कतें अब होती है, तो बहुत होती है। बहुत मजदूरों को हुई क्या? मजदूरों को भी हुआ, हमारा पार्टी आ नहीं पाते, माल ठीक से बन नहीं पाता। तो इस तरह की यहाँ पर हजारों फैक्ट्रियां हैं, और हजारों फैक्ट्रियों में लाखों मजदूर काम करते हैं, जिनको डर इस बात का है कहीं ऐसा ना हो कि सिचुएशन पिछले बार के किसान आंदोलन की तरह हो जाए और उनके सामने रोजी रोटी और भूखे मरने की नौबत आ जाए।